हेलो, अस्सलाम वालेकुम। तो आप सब कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। बस अल्लाह का शुक्र है, रोज़े नमाज तरा भी सब चल रहा है टाइम से, और माशाल्लाह बच्चों का भी अल्लाह हिम्मत ताकत दे रहा है बच्चों को भी। तो बस गाइस, आज 10 रोज़े हो चुके हैं और पता ही नहीं चला कि कब 10 रोज़े हो गए। तरबूज रख देती हूँ फ्रीज में और उसके बाद ये मैं मसाला घोल लेती हूँ गाइस जल्दी। गैस यहाँ भजिया तो बन ही रहे हैं और बिल्कुल आए हैं तैयारी। तो मैंने कल वीडियो में बोला था, सॉरी स्ट्रीम में बोला था कि मैं जो मुझे आया है सुपर सेट उसका मैं पूरा तैयार मंगाऊंगी। तो गैस मंगा लिया है मैंने, दिखाती हूँ आपको। तो यहाँ समोसे हैं देख सकते हो, और ये दही बड़े, और लस्सी लाया लेकिन लस्सी गिलास ही गिर गए सब, एक गिलास गिर चुका है गाइस। तो लस्सी देखिए, तो माशाल्लाह बहुत सारी अब तैयारी हो चुकी है। यहाँ तरबूज तो अभी मैंने कट कर लिया है, इसको तो हम ऐसे ही फ्रिज में रख देंगे। और केले भी लाया है माशाल्लाह, तो मैं उठा देती हूँ इनको। सोना ए टाइम होने वाला बेटा, जल्दी उठो। तो शिप के दाल पतली हो चुकी है। आलू के भजिए बन चुके हैं गाइस, और थोड़ा सा मसाला बच गया था मैंने इसमें एक प्याज काट लिए, तो प्याज के भी थोड़े से डाल देती हूँ, 2-4 भजिए। तो मैंने बोल ही दिया था गाइस कि आज तो मुझे सुपर सेट मिला है, मैं उसी के अब तैयार मंगवाऊँगी। तो उसी का अब तैयार है आज, सिर्फ भजिए बनाए हैं मैंने घर में तो सिर्फ भजिए ही बनाए हैं। और तो शिप उठ चुका है और दस्तरखान यहाँ सज गया, तो शिव का चक्कर आ रहे हैं। तो ये देखिए गाइस माशाल्लाह, तो माशाल्लाह बहुत सारी चीज़ें हो गई अब तैयार में आज। तो अजान बस होने वाली, मैं भी वजू बना के आती हूँ, और पिट्टू गया वजू बनाने भी। तो शिव सोना जल्दी से वजू बनाएंगे, टाइम हो चुका है। कितना टाइम और बचा बेटा? पर तो मुंह पे हाथ तेरी गाइस, बार बार हाथ फेरा जा रहा अजान के इंतजार में। तो रोजा अफ्तार हो चुका है और तो शिव तो आज नहीं गया नमाज पढ़ने, क्योंकि इससे बिल्कुल नहीं बन रही, इसमें हिम्मत ही नहीं थी आज। और मैं वजू बना के आ गई हूँ, तो फटाफट मैं नमाज पढ़ लेती हूँ। तो नमाज पढ़ ली है मैंने माशाल्लाह, और कितना अल्लाह पाक सबकी दुआएं कबूल करे बस, और नमाज रोज़े कबूल करे, आमीन। तो गैस चाय बनाऊंगी बस, क्योंकि रोज़ा खोलने के बाद तो चाय लगती है बस, और कुछ भी मत दो, चाय दे दो बस। तो मैं नाक में ना गैस लौंग पहनती हूँ ना, जब भी मेरी नाक दुखती है या बिंदिया पहनूँ तो ये ना वो दबाने वाली लौंग है, ये देख सकते हो आप। तो मैं उस दिन गई थी ना मम्मी के यहाँ, तो मम्मी ने मुझे दिला दी थी। चाय तो बनी रही है, लेकिन बच्चे आ गए आज, बच्चों ने नमाज पढ़ के आए ना, उसके बाद नहीं खाया, फिर कुछ भी अख्तियार ही रखा हुआ है ऐसा कैसा। तो चाय बन चुकी है, और इधर सोना हमारे यहाँ फिर सो गया है। देखो जब मतलब मगरिब का टाइम होता है तो इसको उठाना पड़ता है। तो 9:45 बज चुका है, मैं पहले घड़ी में देखती हूँ, उसके बाद लोग स्टार्ट करती हूँ। गाइस 9:45 बज चुका है और
बच्चे गए हैं नमाज तरावी के लिए माशाल्लाह, और पूरा घर सुना हो जाता है। अकेली रह जाती हूँ जब बच्चे चले जाते हैं ना, तो अकेली रह जाती हूँ। तो मैं भी अभी आराम कर रही थी थोड़ी देर, और अब उठी हूँ नमाज तरावी के लिए। तो देख सकते हो पूरा घर है ना, पूरे रूम खाली हो जाते हैं। अब आएंगे बच्चे 10 बजे, और एक आएगा 10:30 बजे। तो सब है ना, एक जो है ना तोशी, वो अलग मस्जिद में जाता है, तो वहाँ पे थोड़ी लेट होती है तरावी। बात गाय सुपर सेट की या पैसों की नहीं होती है, बात होती है मोहब्बत की होती है। तो इतना सारा मोहब्बत उन्होंने दिखाया तो काफ़ी अच्छा लगा है। ऐसा नहीं है कि पैसा ही सब कुछ होता है दुनिया में, एक मोहब्बत भी बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो आप लोग इतना सारा मोहब्बत देते हो, प्यार करते हो ना, तो बड़ी खुशी होती है मुझे। तो दिल से शुक्रिया आप लोगों का। तो गाइस बस यही बोलना चाहूँगी, ऐसे ही आपके सिस्टर का सपोर्ट करते रहें आप, और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर ज़रूर करा करो आप लोग। तो मैं आज वीडियो का एंड यही कर देती हूँ। आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करा करें। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, गुड नाइट। मैं ना उल्टा करती हूँ हमेशा, बाय बाय को गुड नाइट बोल देती हूँ।